अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एन आर किचन। बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। हम बीफ ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें लहसुन की जड़ ऐड करेंगे मीडियम साइज प्याज। इसे मिक्स कर दें। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। हो चुका है। हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, गोश्त अपना भी पानी छोड़ देता है। इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए वेट दे दें। A few moments later. हो चुके हैं, हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश करेंगे। हो चुका है। अब हम अपने फ्लेम को बंद करेंगे और गोश्त को निकाल देंगे। सॉल्ट, हल्दी पाउडर, टिक्का मसाला, कोरिएंडर पाउडर, लेमन जूस, चिली सॉस, इसे मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। जो स्पाइसेस का बैटर बनाया था हम इस बीफ में उसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं। अब हम बीफ को इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गोश्त गला हुआ, सिर्फ इसे लाइट गोल्डन कर दें। चटखारेदार बिहारी बोटी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।